Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह video English for competitive exams के लिए है and आज का topic है present perfect tense. आज हम इस video में present perfect tense के विषय पर discuss करेंगे. When we talk about present perfect tense or any tense, the very first question comes about form. Forms के विषय में, form का सबसे पहले question हमारे दिमाग में आता है कि हमें forms के विषय में उस tense की form क्या होती है. तो the present perfect form of main verb is has or have plus past participle. यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी ऑर्डिनरी वर्ब की मेन वर्ब के रूप में जो फॉर्म होती है वह हैज और हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल होती है. यहां पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, इस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसलिए जो फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी किसी वर्ब मेन वर्ब को, यानी ऑर्डिनरी वर्ब को अगर मेन वर्ब बना करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, तो फिर उससे पहले सबसे पहले हैज और हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी जाएगी जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. In the same way, the present perfect form of have as a main verb. Have auxiliary verb होती है, जैसे कि ऊपर जो अभी हमने sentence discuss किया है structure के has और have plus past participle, तो इसमें have auxiliary verb है, लेकिन auxiliary verb के बाद अगर have को भी हम main verb की तरह use करते हैं, तो इसका जो structure होगा वह होगा has और have plus had. यहाँ पर ये जो हैज और हैव है, ये तो हैव की ऑक्सिलरी की फॉर्म के रूप में है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव. यानी अगर हम कोई परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो उसमें हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज और प्लुरल के साथ हैव, ये तो परफेक्ट आएगा ही आएगा. परफेक्ट मतलब परफेक्टली आएगा ही आएगा, और उसके साथ में थर्ड फॉर्म आएगी. तो यहाँ थर्ड फॉर्म में अगर हैव को हम मेन वर्ब की तरह लिख रहे हैं, तो मेन वर्ब की तरह जगह पर यहाँ हैड आ जाएगा. इस तरह से हैव को अगर हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होगा वो हैज और हैव प्लस हैड होगा. थर्ड स्ट्रक्चर इज The third point is the present perfect form of be. यानी be जो होता है is am are was were होता है be. तो be को अगर हम be को ही main verb के रूप में लिखें, या main verb sentence में main verb के रूप में लिखें, तो फिर उसका जो structure होगा वह भी has और have और third form के रूप में, यहाँ be की third form चूंकि been होती है, तो यह हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा. इसलिए फोर्थ पॉइंट इज द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ कैन इज हैज बीन और हैव बीन प्लस एबल टू. यहां भी कैन की चूंकि कोई प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म नहीं होती है, और प्रेजेंट कैन का जो मीनिंग होता है, कैन का मीनिंग होता है इज एबल टू. तो इज एबल टू को प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में अगर लिखा जाएगा, तो वो हो जाएगा हैज बीन और हैव बीन एबल टू. तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में मेन हम यहाँ चार फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं. एक तो किसी भी ऑर्डिनरी वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब बना करके लिखेंगे, तो हैज और हैव और उसके साथ वो जो ऑर्डिनरी वर्ब है, वो ऑर्डिनरी वर्ब पास्ट पार्टिसिपल अथवा थर्ड फॉर्म के रूप में वह आएगी. दूसरा, यदि हम हैज हैव तो ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आता ही है, लेकिन अगर हम हैव को मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो फिर ये स्ट्रक्चर हैज हैव, हैज और हैव प्लस हैड हो जाएगा. यानी इसमें या तो हैज हैड आएगा या फिर हैव हैड आएगा.
जब हैज हैड आएगा तो हैज ऑक्सिलरी वर्ब होगी एंड हैड इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होगी। अगर हैव हैड आएगा तो हैव ऑक्सिलरी वर्ब होगी और हैड इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होगी। इसी तरह से फिर से प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ बी को मतलब बी को अगर हम ऑर्डिनरी और मेन वर्ब के रूप में लिखते हैं तो फिर बी की थर्ड फॉर्म चूंकि बीन होती है तो वह या तो हैज़ बीन होगी या फिर हैव बीन होगी। इसमें अगर हैज़ बीन होती है तो हैज़ बीन का मतलब है कि हैज़ और हैव इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की ऑक्सिलरी वर्ब है एंड बीन इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब के रूप में दी गई है। तो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव हो करके हैज़ बीन और हैव बीन यहाँ पर आएगा। इसी तरह से द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ कैन, फिर से मैं बता दूँ, कैन की जो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होगी वह हैज़ बीन और हैव बीन प्लस एबल टू होगा। यहाँ बीन इसीलिए आया है चूंकि कैन का जो मीनिंग मैंने बताया कि इज एम आर वॉज वर एबल टू होता है, यानी कैन का मीनिंग होता है बी एबल टू। तो अगर बी को हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे तो बी का प्रेजेंट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर है वो हैज़ बीन और हैव बीन। तो अगर हैज़ बीन और हैव बीन है तो उसके साथ एबल टू, क्योंकि बी बी की फॉर्म तो हैज़ बीन और हैव बीन हो गई और उसी के साथ एबल टू भी जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा हैज़ बीन एबल टू और हैव बीन एबल टू। ये कैन की प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म हो जाएगी। नाउ देयर इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर वन, व्हेन हैव प्लस नाउन मीन्स टू एक्सपीरियंस, टू रिसीव, टू टेक, इट्स प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म इज हैज और हैव प्लस हैड प्लस नाउन। जब नाउन का मतलब नाउन जब हम हैव प्लस नाउन जब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और उसका मतलब टू एक्सपीरियंस, टू रिसीव, टू टेक होता है, तब उसकी जो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होती है वह हैज और हैव प्लस हैड प्लस नाउन होता है। यानी कि जब हैज या हैव प्लस नाउन को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं तो यहाँ हैव जो है वह एक्सपीरियंस, रिसीव और टेक। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव होना, रिसीव मतलब प्राप्त करना, लेना, एंड इसी तरह से टू टेक मीन्स भी लेना, प्राप्त करना, कभी कभी टेक का मतलब ईट भी होता है तो खाना। इन सब अर्थों में हैव प्लस नाउन का यूज़ किया जाता है। यानी हैव प्लस नाउन अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जा रहा है तो वह एक्सपीरियंस, रिसीव और टेक के मीनिंग में यूज किया जा रहा है। और उसका स्ट्रक्चर ये होता हैज या हैव, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, एंड उसकी थर्ड फॉर्म के रूप में हैड आता है कि थर्ड फॉर्म की फॉर्म में, एंड उसके साथ नाउन आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। आई हैव हैड ए लॉट ऑफ कॉल्स टुडे का मतलब यह हो गया आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे का मतलब है आई हैव अटेंडेड अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे, यानी आज मैंने बहुत सारे कॉल्स रिसीव किए हैं या अटेंड किए हैं या मैं कर चुका हूँ। इसी तरह से ही हैज़ हैड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन। ही हैज़ हैड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन का मतलब हुआ ही हैज़ हैड ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन। ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन का मतलब हुआ ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन। ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन का मतलब हुआ ही हैज़ फेस्ड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, मतलब आज उसको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन एक्सपीरियंस करने को मिली या फिर उसको रिसीव करने को मिली या फिर उसको अनुभव हुई, यानी आज उसको बहुत सारा विरोध का अनुभव हुआ या विरोध का अनुभव उसने लिया या विरोध उसको झेलना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ में हैज आया हुआ है। ऊपर वाले सेंटेंस में आई को यहाँ प्लुरल माना जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में तो उसके साथ यहाँ पर हैव आया है। एंड थर्ड सेंटेंस में आई हैव हैड राइस एंड पल्स फॉर लंच। यहाँ हैड का मतलब जो है आई हैव हैड, यहाँ हैड का मतलब है आई हैव टेकन, यानी हैड का मतलब टेकन हैव की जगह पर तो यहाँ हैव आया ही आया है। तो आई हैव हैड जो हमने कहा यहाँ पर आई हैव हैड इसका मतलब है यह आई हैव टेकन राइस एंड पल्स फॉर लंच। आई हैव टेकन राइस एंड पल्स फॉर लंच मीन्स आई हैव ईटन राइस एंड पल्स फॉर लंच, ये यहाँ हैड का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए एक हैव जब ये मेन फॉर्म में मेन वर्ब के रूप में आया है तो यहाँ ये हैड है थर्ड फॉर्म
के रूप में, और हैव यहाँ पर ऑग्जिलरी वर्ब के रूप में है, यानी कि यहाँ पर अगर हैव के साथ हेड आ रहा हैव हेड आ रहा है, इसी तरह से हेड हेड भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट होगा, अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट होगा तो यहाँ हेड हेड भी आ सकता है। तो इस तरह से ये जो वर्ब्स होती हैं ये दोनों सही होती हैं, और यहाँ एक जो वर्ब होती है ये ऑग्जिलरी वर्ब होती है, एंड एक जो वर्ब होती हैड के रूप में ये थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में होती है, इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ सही होता है। ये चीज़ यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है कि मेन वर्ब हैव एज अ मेन वर्ब इज हैज हैव प्लस हैड, तो ये जो हैज हैव प्लस हैड है वो यूजुअली हैव प्लस नाउन ही है, और ये सिर्फ इसी यूज में इसका यूज़ किया जाता है, या इसी केस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हैज हैव प्लस नाउन का ओनरशिप और रिलेशनशिप के मीनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ओनरशिप और रिलेशनशिप के मीनिंग में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। अगर मेन वर्ब की तरह हैव का यूज़ किया जाएगा तो वो सिर्फ रिसीव एक्सपीरियंस या टेक के ही मीनिंग में यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इस बात को हमने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव इज हैज और हैव प्लस बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव, नाउन स्लैश एडजेक्टिव, नाउन स्लैश एडजेक्टिव का मतलब नाउन और एडजेक्टिव, यानी यहाँ तो या तो नाउन आएगा या फिर यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। यानी अगर हम बी को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और उसके साथ प्लस नाउन और एडजेक्टिव आता है, तो चूंकि बी को अगर हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो फिर उसके साथ नाउन और एडजेक्टिव कुछ ना कुछ आता ही आता है, तो इसलिए उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, हैज और हैव प्लस बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव। वास्तव में इसका जो मीनिंग होता है वह यह होता है कि ये जो सब्जेक्ट था वो इस फॉर्म में मतलब रहा है या रहा था या है अभी भी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के जो यूजेस हैं वो एक तो ये है कि पास्ट में मैंने कोई काम किया था, जैसे आई हैव डन एमए, तो आई हैव डन एमए का मतलब ये तो नहीं होता है कि अभी भी मैं एमए कर रहा हूँ, मतलब अभी उसका परिणाम मेरे ऊपर बाकी है, लेकिन किया तो पास्ट में ही था। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि आई हैव बीन ए टीचर, मतलब आई वॉज ए टीचर बट नाउ आई एम नॉट अ टीचर, इसका एक मीनिंग ये भी हो जाता है। आई हैव बीन अ मैनेजर, मतलब आई वॉज ए मैनेजर बट नाउ आई एम नॉट अ मैनेजर, ये भी मतलब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये सेंस निकलता है। जैसे ऊपर के मीनिंग में हैव का हैड का मीनिंग रिसीव्ड एक्सपीरियंस और टेकन था, उसी तरह से मैंने यह यहाँ पर आपको बताया। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स है राजी, राजी हैज़ बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, तो राजी हैज़ बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स का मतलब है राजी वॉज ए टीचर फॉर 10 ईयर्स, और मतलब 10 ईयर्स के लिए तो वो थी ही थी, ये तो सेंस है ही। हो सकता है कि जब मैं बोल रहा हूँ तब भी वो टीचर हो, लेकिन 10 ईयर्स के लिए तो वो थी ही, और इसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन और फर्स्ट मीनिंग है वो यही है, राजी वॉज अ टीचर फॉर 10 ईयर्स। अब आगे है कि नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं कि पता नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई प्रेजेंट का कोई एडवर्ब कोई प्रेजेंट टाइम का कोई एडवर्ब नहीं है, तो इसलिए फॉर 10 ईयर्स का मतलब ही है कि पहले साल से 10 साल तक तो वो थी ही थी, लगभग ये कन्फर्म है। दूसरा है दे हैव ऑलवेज बीन, तो ऑलवेज जो इसमें एडवर्ब है वो तो एवरी टाइम को दिखाता है, ऑल टाइम को दिखाता है, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं दे हैव ऑलवेज बीन काइंड टू मी। दे हैव ऑलवेज बीन काइंड टू मी का मतलब है कि दे वर ऑलवेज काइंड टू मी इन पास्ट एंड दे आर इवन काइंड टुडे, और दे आर काइंड इवन टुडे ऐसे कहना चाहिए। दे वर काइंड टू मी एंड दे आर काइंड इवन टुडे, यानी वे आज भी हमारे साथ दयालु है, और उनका पहले भी व्यवहार मेरे साथ अच्छा रहता था लेकिन आज भी उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा है। तो यह जो पैटर्न है वो हैज हैव प्लस बीन प्लस नाउन के लिए है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, आई हैव बीन योर नेबर, ही हैज बीन अ प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल, यू हैव बीन अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, एंड एज ही हैज बीन एन आईएएस ऑफिसर,
योर मदर हैज़ बीन ए गुड टीचर इन प्राइमरी स्कूल, इस तरह से माई मदर हैज़ बीन अ साइंटिस्ट इन इसरो, तो इसका मतलब माई मदर वॉज अ साइंटिस्ट इन इसरो बट नाउ शी इज़ नॉट अ साइंटिस्ट इन इसरो, शी मे बी साइंटिस्ट टूडे एंड शी मे बी डूइंग समथिंग एट होम एज अ साइंटिस्ट बट शी इज़ नॉट नाउ अ साइंटिस्ट इन इसरो, तो ये बात इससे इस तरह के सेंटेंस से आती है, यह बात क्लियर होती है। तो ये मैंने आपको बताया। एंड इसके बाद अब प्रेजेंट परफेक्ट के हम यूजेस पर चलते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? तो प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे जो पहला यूज है, फर्स्ट पॉइंट इज, मैं पढ़ रहा हूँ, कर्सर के साथ आप चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट एक्सप्रेसेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहला प्रयोग है या जो पहला उसका यूज करने का तरीका है वह यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा उन एक्शंस के लिए यूज किया जाता है जो कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन दिखाते हैं या किसी एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बारे में जानकारी देते हैं। जो जो सेंटेंसेस यह कहते हैं कि कोई एक्शन जब हम लिख या बोल रहे हैं, स्पीकिंग और राइटिंग, बाय द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग मीन्स जब हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उस समय तक कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है। कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, जिस काम के विषय में या जिस वर्ब को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सेंटेंस में वह उस वर्ब में दिखाई गई एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, यह कहने के लिए ही प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। यहाँ मीनिंग हमें परफेक्ट का समझना चाहिए। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, और कंप्लीट का मतलब होता है दैट लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग हैज बीन डन। इसका मतलब हुआ दैट नथिंग एक्स्ट्रा और नथिंग एनी अदर थिंग रिमेन्स टू बी डन। व्हेन एवरीथिंग हैज बीन डन इन समथिंग, जब किसी काम में उसके प्रोसेस की हर चीज की जा चुकी हो या हर काम किया जा चुका हो, तभी हम कहते हैं कि काम पूरा हो चुका है। तो इसलिए इसलिए परफेक्ट का मतलब ही यह है कि एक्टिविटी जो है वह पूरी हो चुकी है, यही बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है द हॉलीडेज आर ओवर। हॉलीडेज आर ओवर का मतलब है हॉलीडेज आर फिनिश्ड। ओवर के तमाम अन्य मीनिंग्स में से एक मीनिंग फिनिश्ड का भी होता है। तो द हॉलीडेज आर ओवर मतलब द हॉलीडेज आर फिनिश्ड मीन्स हॉलीडेज हैव कम टू एन एंड, हॉलीडेज अब खत्म हो चुके हैं। स्कूल्स हैव रीओपन्ड, तो स्कूल्स हैव रीओपन्ड मतलब स्कूल्स हैव ओपन्ड अगेन, यानी कि रीओपन होने का काम जो है वह पूरा हो चुका है, यानी कि स्कूल खुल चुके हैं, खुलने का जो प्रोसेस है या काम है स्कूल्स का वह पूरा हो चुका है। तो इस तरह से ये हैव रीओपन्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और किसी काम के पूरे होने के विषय में हमको बताता है। तो इस तरह से अब दूसरा हमारा सेंटेंस है, आई हैव रिटन अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। आई हैव रिटन अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर का मतलब है कि मैं एक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर एक पुस्तक मैं लिख चुका हूँ, अर्थात मैं इंग्लिश ग्रामर लिखने का काम पूरा कर चुका हूँ, अर्थात उस बुक में लिखने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तो जो काम कंप्लीट हो चुका है, जब हम कोई बात कह रहे हैं, जब हम आपसे बात कह रहे हैं, उस समय अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है और उसमें कुछ करना बाकी नहीं रहा है, उस बात को कहने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में अपना शासन जमा चुका है या अपने पैर फैला चुका है, यानी अब उसको कुछ भी करना बाकी नहीं है, जो उसको अफगानिस्तान घेरने के लिए या कब्जा करने के लिए करना था वह कर चुका है। तो हम कह सकते हैं तालिबान हैज ऑक्यूपाइड और हैज टेकन होल कंट्री, और तालिबान हैज ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान कम्प्लीटली, हम इस तरह से कह सकते हैं, यानी कि उसको कब्जाने का काम पूरा हो चुका है। अमेरिकन्स हैव रिटर्न टू अमेरिका, यानी कि अमेरिकन्स जो है वापस अमेरिका जा चुके हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं, यानी जा चुके हैं मतलब
उन्होंने जाने का काम अपना पूरा कर लिया है, अब किसी का जाना बाकी नहीं है। इस एक्टिविटी को यानी कि इस तरह से एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है यह कहने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है। सेकंड पॉइंट इज प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्टिविटी और एक्सपीरियंस व्हिच हैज अकर्ड इन द पास्ट। तो वैसे तो ये सेकंड पॉइंट बता रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी एक्टिविटी होती है वह पास्ट को ही दर्शाती है। ऊपर वाला जो जिस सेंटेंस को हमने फर्स्ट पॉइंट को जो अभी डिस्क्राइब किया है, इसमें भी हम किसी भी एग्जांपल को देख ले, जब हम ये कहते हैं कि ये काम पूरा हो चुका है तो वास्तव में उस काम के होने का टाइम भी क्या होता है, पास्ट ही होता है। तो एज अ टीचर अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक सेंटेंस में यह कहा जा सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट, हालांकि ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये पॉइंट सेकंड पॉइंट आ गया है हमारे सामने जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्टिविटी और एक्सपीरियंस विच हैज अकर्ड इन द पास्ट, यानी कि जो घटना या जो एक्सपीरियंस या जो एक्टिविटी जो पास्ट में हो चुकी है, जो पास्ट में घटित हो चुकी है, अकर्ड मतलब घटित होना, या पास्ट में जो हो चुकी है, पास्ट में मतलब अतीत में, अतीत मतलब भूतकाल में, जो चीज़ इन द पास्ट मतलब भूतकाल में विच हैज अकर्ड, जो हो चुकी है या जो घटित हो चुकी है, एक्टिविटी और एक्सपीरियंस, ऐसा कोई भी अनुभव या ऐसी कोई भी गतिविधि जो अतीत काल में या भूतकाल में या पास्ट में घटित हो चुकी है, उस एक्टिविटी को रेफर करने के लिए यानी उस एक्टिविटी के विषय में बताने के लिए, उस एक्टिविटी को रिपोर्ट करने के लिए, उस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, उस एक्टिविटी का ढिडोरा पीटने के लिए हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। तो यह भी एक प्रयोग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसीलिए मैंने यह कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट में मतलब हम एक लाइन में बात करें, इस पूरे इसमें 3 और 4 पॉइंट्स हैं, बल्कि 5-6 पॉइंट्स टोटल मिला करके हैं, तो इन सबको हम एक साइड रख करके सभी पॉइंट्स को अगर हम समझने की दृष्टि से बात करें तो इस पूरे की समरी यह निकलती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा सेंटेंसेस पास्ट टाइम में ही बनाए जाते हैं, यानी पास्ट की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ अंतर इतना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट की घटनाओं के साथ पास्ट के समय दिया गया है या पास्ट टाइम का समय प्रयोग किया गया है, तो फिर उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, उस समय उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज़ को, इस मेरी बात को बार बार आप नोट करके सुन सकते हैं और आपको ये बहुत काम की बात है, यही ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कोई एक्टिविटी कह रहे यानी पास्ट में कोई घटना हुई है लेकिन उस घटना का हमें समय नहीं बताना है, तो फिर वह घटना चाहे कितनी भी पुरानी कितनी क्यों ना हो, चाहे वो अभी 5 मिनट पहले की हो या वह 50 साल पहले की हो, अगर हमें उसका टाइम नहीं बताना है तो फिर वह प्रेजेंट परफेक्ट में ही कही जाएगी। जैसे मैंने कहा कि मैं एमए कर चुका हूँ, वह खाना खा चुका है, अब भारत आज़ाद हो चुका है, तो भारत तो आज़ाद 1947 में हुआ और 1947 से भी पहले वह मुगलों से आज़ाद हुआ और उससे भी पहले वह औरों से भी आज़ाद होता रहा, तो इसलिए लेकिन लेटेस्ट की हम बात करते हैं तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ है, इस बात को आज 70-75 साल हो गए हैं, तो ये घटना अपने आप में पास्ट की है, लेकिन फिर भी हम जब हम बिना टाइम के कहेंगे तो हम कहेंगे कि भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन अगर हम टाइम की बात कहेंगे तो हम कहेंगे, अगर हम 1947 की बात करेंगे, यदि हम 15 अगस्त की बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th of August 1947, तब यह कहा जाएगा। लेकिन अगर हम जो है 15th अगस्त 1947 की बात नहीं करते तो हम कहेंगे इंडिया हैज़ गॉट फ्रीडम, तब हम सिंपली यह बात कहेंगे। इसी तरह से हम कहेंगे भारत ने रफाल जहाज़ खरीद लिए हैं,
आप कर कब खरीदे इसका हम टाइम नहीं कह रहे हैं। तो इंडिया हैज़ बॉट राफेल प्लेन्स, लेकिन अगर हम कहते हैं कि पिछले साल खरीदे थे या 5 महीने या 6 महीने पहले खरीदे थे या जनवरी 2021 में खरीदे थे, तो हम कहेंगे इंडिया बॉट प्लेन्स इन जनवरी 2021। तो इसलिए सेकंड को सेंटेंस, सेकंड पॉइंट के सेंटेंस को महत्व देते हुए यह समझें कि प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पास्ट के एक्सपीरियंस या एक्टिविटी जो कि पास्ट में हो चुकी है उसको रेफर करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ जो दिए गए हैं मैं आपको देता हूँ, मिस्टर बैनर्जी हैज़ बीन टू इंग्लैंड। मिस्टर बैनर्जी हैज़ बीन टू इंग्लैंड का मतलब है कि मिस्टर बैनर्जी वेंट टू इंग्लैंड एंड हैज़ कम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, यानी हिंदी में इसी बात को कहेंगे तो हम कहेंगे मिस्टर बैनर्जी इंग्लैंड हो आए हैं, यानी गए थे और वह वापस आ गए हैं, यानी अभी वो इंग्लैंड में नहीं हैं, अभी वो इंडिया में ही हैं। बैनर्जी कोलकाता से ज़्यादा टाइटल्स होते हैं, ज़्यादा क्या बेसिकली कोलकाता से ही होते हैं, तो इसका मतलब है या तो बैनर्जी भारत में कहीं है नहीं तो कोलकाता में वो हैं, लंदन में नहीं है। इसी तरह से हैव यू एवर सीन अ रेनबो, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या आपने कभी रेनबो देखा है, अर्थात क्या आप रेनबो कभी देख चुके हैं, क्या आपने सतरंगी धनुष देखा है क्या आपने कभी, यह इसका अर्थ है। तो इसमें भी कंप्लीट होने के बारे में, लेकिन किस विषय में है, ये पास्ट के विषय में है। इसी तरह से हैव यू एवर बीन टू रेस्ट टू दिस रेस्टोरेंट, किसी तरफ, दिस का मतलब होता है जिस तरफ हम उंगली करके, यानी कि आप किसी रेस्टोरेंट के सामने खड़े हुए हैं और उसकी तरफ उंगली करके कोई व्यक्ति पूछता हैव यू बीन टू दिस रेस्टोरेंट, यानी कि क्या आप इस रेस्टोरेंट में कभी गए हैं, यानी क्या आप इस रेस्टोरेंट में हो आए हैं, इसका मतलब डिड यू एवर गो टू दिस रेस्टोरेंट, क्या कभी इस रेस्टोरेंट में आप गए थे और अब वहां से आप वापस आ चुके हो, यानी कि अब आप उस रेस्टोरेंट में नहीं हो। तो ये किसकी बात हो गई, ये पास्ट की बात हो गई। तो इस तरह से पास्ट की घटनाओं को एक्सप्लेन या एक्सप्रेस करने के लिए या उनका विवरण देने के लिए या फिर रेफर करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। बेसिकली इसको एक लाइन में फिर से समझ लें, हम आगे चल करके फिर वही बात कर रहे हैं, मतलब पॉइंट वाइज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन सारे पॉइंट्स की समरी यहाँ पर फिर मैं एक बार आपको याद दिला दूँ कि इस पूरे टॉपिक की समरी यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस दोनों ही टेंसेस में जो सेंटेंसेस, जो वर्ब्स या जो घटनाएं व्यक्त की जाती हैं वो पास्ट की ही की जाती हैं, लेकिन अगर उनके साथ पास्ट का टाइम लगा हुआ है घटनाओं के साथ में, तो फिर वो सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाए जाते हैं, और अगर उनके साथ पास्ट का टाइम नहीं लगा है, या तो कोई टाइम नहीं लगा है या फिर प्रेजेंट का टाइम है, तो फिर वो घटनाएं हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कही जाती हैं। फिर से मैं फर्स्ट पॉइंट के एग्जांपल की याद दिला दूं, आई हैव रिटन अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, तो ये आज तो नहीं लिखी गई, यानी मैं जब बात कर रहा हूँ उससे पहले ही लिखी जा चुकी है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बुक भी पास्ट में ही लिखी गई थी, लेकिन इसके साथ पास्ट का कोई टाइम नहीं है, इसलिए ये किस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। द हॉलीडेज आर ओवर, स्कूल्स हैव रीओपन्ड, तो स्कूल्स हैव रीओपन्ड का भी मतलब क्या है कि जब मैं बोल रहा हूँ उससे पहले स्कूल्स खुल चुके हैं या खोले जा चुके हैं, रीओपन हो चुके हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जब मेरे बोलने से पहले हो गए हैं, तो मेरे बोलने से पहले जितना भी टाइम है वो सब क्या है, बेसिकली वो सब पास्ट ही है। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में हम जितनी भी बातें बोलते हैं वे सब पास्ट की ही घटनाएं होती हैं। इस सेंटेंस में भी देख लीजिए, इसमें कहीं पास्ट का कोई टाइम नहीं है, चूंकि पास्ट का कोई टाइम नहीं है इसलिए हम इसको कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कह रहे हैं। अगर इसमें पास्ट का कोई टाइम होता तो फिर हम इसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही कहते। ऐसे सेकंड पॉइंट के भी एग्जांपल्स यही बताते हैं कि इनमें कोई
मतलब ये घटनाएं पास्ट की घटनाओं को तो इंडिकेट कर रही हैं, लेकिन यहाँ जो है इसमें भी कोई पास्ट का टाइम नहीं है। तो एक ही बात को दो तरह से कहा गया है कि कुछ बातें ये होती हैं कि हमारे कहने तक वे कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम उनको प्रेजेंट परफेक्ट में कहते हैं, या पास्ट की इस तरह की घटनाएं हैं और उनके साथ पास्ट का टाइम नहीं है, तो उनको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। मेरी बात इस तरह से समझें और ध्यान से सुने, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस होने पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में जो मैं अभी इतनी बात कह रहा था लगभग वही बात थर्ड पॉइंट में आएगी। द प्रेजेंट परफेक्ट इन इंग्लिश डज नॉट जनरली टेक एन एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, विज, लास्ट वीक, यस्टरडे, लास्ट मंथ। विज का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, एंड लास्ट वीक द वीक दैट हैज गॉन मीन्स प्रीवियसली वीक, एंड यस्टरडे, यस्टरडे मतलब प्रीवियस डे, द डे बिफोर टुडे, तो ये यस्टरडे हो गया, एंड लास्ट मंथ इज ऑल्सो द प्रीवियस मंथ, द मंथ दैट हैज गॉन। तो इसलिए ये सब लास्ट वीक, यस्टरडे और ये क्या है, ये भी पास्ट के ही टाइम है। क्या है ये भी पास्ट के ही टाइम है। तो ये जो है द प्रेजेंट परफेक्ट इन इंग्लिश डज नॉट जनरली टेक एन एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम का कोई भी एडवर्ब जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अंग्रेजी में यूज नहीं किया जाता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश डज नॉट टेक, यानी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लेता है एन एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम के एडवर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जनरली नहीं लेता है इंग्लिश में। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में के साथ पास्ट टाइम का कोई एडवर्ब यूज नहीं किया जाता है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको हम उस शब्द को एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब कई प्रकार से वर्ब को क्वालिफाई करता है, जैसे उसके मैनर्स को क्वालिफाई करता है, कोई काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, इन चीज़ों को। तो कब हुआ, इस प्रश्न का उत्तर देने वाले जो वर्ड्स होते हैं वे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। अब एडवर्ब ऑफ टाइम में भी एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट टाइम भी हो सकते हैं, वो एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम भी हो सकते हैं। तो जो एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, यानी कि पास्ट को इंडिकेट या इंगित करने वाला कोई भी अगर एडवर्ब होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं होगा। यानी पिछले महीने, कल, इस तरह से पिछले साल, पिछले महीने, पिछले हफ्ते, पिछले दिन, इस तरह का कोई भी अर्थ बताने वाला कोई एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज नहीं किया जाता है। वी डोंट से मतलब हम ये नहीं कहते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस हम नहीं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ज्योति हैज फिनिश्ड हर वर्क लास्ट वीक, यानी ज्योति अपना काम लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते खत्म कर चुकी है, ऐसे हम कभी नहीं कहते। या तो हम लास्ट वीक नहीं बोलेंगे, या तो हम इस सेंटेंस को बोलेंगे ज्योति हैज फिनिश्ड हर वर्क, केवल यहीं तक बोलेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे और लास्ट वीक इसमें नहीं बोलेंगे। या फिर हम कहेंगे ज्योति फिनिश्ड हर वर्क लास्ट वीक, यानी ज्योति ने अपना काम लास्ट वीक फिनिश किया था, या फिर हम इसको इस तरह से बोलेंगे। ऐसे ही दे हैव गॉट बैक फ्रॉम निपोल यस्टरडे, हम इसको ऐसे भी नहीं बोलेंगे। या तो हम बोलेंगे दे हैव गॉट बैक फ्रॉम निपोल, कब आया ये हम नहीं बोलेंगे, दे हैव गॉट बैक फ्रॉम निपोल यानी कि वो निपोल से वापस आ गए हैं, हम यह बोलेंगे, और यस्टरडे इसके साथ नहीं बोलेंगे। और अगर यस्टरडे बोलेंगे तो फिर हम या नहीं, हैव गॉट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दे गॉट बैक फ्रॉम नेपाल यस्टरडे, इसका अर्थ हो जाएगा कि वे नेपाल से कल आए थे। तो या तो हम ये पूरा सेंटेंस बोलेंगे और यस्टरडे नहीं बोलेंगे, या फिर हम यस्टरडे बोलेंगे तो हैव नहीं बोलेंगे, और इस तरह से दे हैव गॉट बैक फ्रॉम नेपाल यस्टरडे, इस तरह से तो ये सेंटेंस बोला ही नहीं जाता है। यानी ये बोला जाएगा तो या तो बिना यस्टरडे के बोला जाएगा और कहा जाएगा दे हैव गॉट बैक फ्रॉम नेपाल, या तो यहाँ तक बोला जाएगा, या यस्टरडे बोलेंगे तो हैव नहीं आएगा, यानी दे गॉट बैक फ्रॉम निपोल यस्टरडे, तब इसको हम इस तरह से बोलेंगे। तो यहाँ से पास, ये यस्टरडे क्या है, पास्ट, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। इसी तरह से लास्ट वीक क्या है, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है। दोनों के विषय में मैंने आपको बताया। देर इज ऑल्सो वन नोट, सिंपल पास्ट इज चोजन वेन एन एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम इज मैंशनड। ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि सिंपल पास्ट इज चोजन व्हेन एन एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम इज मेंशन्ड,
यानी अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम वहाँ पर लिखा गया हो या बताया गया हो या इंगित किया गया हो, तब फिर वहाँ पर हमको सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमें चूज करना चाहिए, वहाँ पर लगाना चाहिए। वहाँ पर हमको फिर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यस्टरडे पास्ट का टाइम लगाया हुआ है, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है यस्टरडे, तो यहाँ कहा गया है आई सॉ कुलकर्णी यस्टरडे, आई सॉ कुलकर्णी यस्टरडे यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा हुआ आई हैव सीन कुलकर्णी यस्टरडे। अर्थात अगर पास्ट का टाइम आएगा तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट वहां पर नहीं आएगा, तो इसलिए आई सॉ कुलकर्णी यस्टरडे यह सेंटेंस हो गया। इसी तरह से वी फाउंड अ ट्रेजर लास्ट वीक, वी फाउंड अ ट्रेजर लास्ट वीक में भी देखिए ये लास्ट वीक जो है वो क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम होगा, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम हो गया तो इसलिए यहाँ हैव का यूज नहीं किया गया है। और ये नहीं कहा गया है वी हैव फाउंड अ ट्रेजर लास्ट वीक, ये नहीं कहा गया है। ये ब्रैकेट में नॉट हैव फाउंड जो लिखा गया है, इसका मतलब यही है कि हमें इसको ऐसे यूज नहीं करना है। हमको सिर्फ कैसे यूज करना है, वी फाउंड अ ट्रेजर लास्ट वीक, हमको सिर्फ इसी तरह से यूज करना है। तो इसलिए मैंने आपसे फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, क्योंकि हम फोर्थ पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट में जितनी भी बातें कही जाती हैं वो सब पास्ट को ही इंडिकेट करती हैं। हालांकि ये थ्री पॉइंट्स भी अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बात कह रहे हैं, ग्रामर के पॉइंट्स अपनी जगह पर हैं, वो एक ही बात को अलग अलग तरह से कह रहे हैं, और इससे हमारी तर्क शक्ति बढ़ती है इस तरह से बातों को सुन करके समझ करके। लेकिन समरी में अगर आप याद रखना चाहते हैं एक लाइन में, तो फिर से यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में दोनों में ही पास्ट की घटनाएं ही व्यक्त की जाती हैं। लेकिन यदि हम पास्ट की घटना के साथ पास्ट का टाइम भी बताना चाहते हैं तो हमें सिंपल पास्ट टेंस में अपनी बात कहनी चाहिए। और यदि हम अपनी बात में पास्ट की घटनाओं के साथ पास्ट का टाइम नहीं बताना चाहते हैं तो हमें अपनी बात प्रेजेंट परफेक्ट में कहनी चाहिए। जिस तरह से बहुत हम हमेशा अपने दैनिक जीवन में भी हम कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं, जैसे मैं आगरा घूम आया हूँ, मैं दिल्ली घूम आया हूँ, मैं 5 बार लंदन घूम आया हूँ। हालांकि मैं कभी नहीं गया हूँ, सिर्फ मैंने कह दिया है मैं 5 बार लंदन घूम आया हूँ या मैं 6 बार मुंबई घूम आया हूँ। तो ये घूम आया हूँ क्या है, ये सब पास्ट की घटनाएं हैं। जैसे अभी एक था मिस्टर बनर्जी हैज बीन टू लंदन, तो उसी तरह से ये पास्ट की घटनाएं हैं, लेकिन इनके साथ में पास्ट का टाइम नहीं बता रहा हूँ। मैंने MA कर लिया है, मैंने BTech कर लिया है, मैंने BA कर लिया है, MBBS कर लिया है, मेरे भाई ने लॉ कर लिया है, तो लॉ कर लिया है वास्तव में क्या वो कहता है, वास्तव में सेंटेंस क्या है कि पास्ट टाइम में उसने लॉ किया था। चूंकि वह उसके साथ पास्ट का टाइम नहीं जोड़ रहा है कि उसने लॉ कब किया था, तो इसलिए वह प्रेजेंट परफेक्ट में हिंदी में भी कहता है मेरे भाई ने लॉ कर लिया है। और जब पूछे कब किया लॉ, तो वो कोई टाइम बताएगा तो 2018 में किया था, तो जब 2018 आ जाएगा तो फिर वो पास्ट का टाइम आ जाएगा हो जाएगा, और पास्ट के टाइम के साथ फिर सिंपल पास्ट टेंस ही यूज किया जाएगा। यही समरी थी, यही मैंने दोबारा आपको बताई। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट हमको बताता है हाउ एवर प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज विद एडवर्ब्स प्रेपोजिशनल फ्राइजेस ऑफ टाइम लाइक दीज। लाइक दिस मतलब ये जो भी, जैसे सो फार है, अप टिल नाउ है, फॉर है, सिंस है, जस्ट है, येट है, ऑलरेडी है, तो ये जो एडवर्ब्स है इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो जाता है। यह नियम बताते हैं हमको। हाउ एवर मीन्स यद्यपि, हालांकि, किंतु, परंतु। प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज विद एडवर्ब्स और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, यानी सभी एडवर्ब्स नहीं होते हैं, लेकिन एडवर्ब्स भी होते हैं कई कई बार, वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी कई बार। पड़ोसी का लड़का भी जिस तरह से हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो वो भी हमारे, यानी जो काम हमारे बेटे को करना चाहिए था वो काम अगर वो दूसरा लड़का कर देता है तो उसको भी हम बेटा
कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ कोई अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज है लेकिन अगर वह एडवर्ब की जगह काम कर रहा है तो हम उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज या फिर प्रेपोजिशनल एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज हम इस तरह से उसको कह करके संबोधित कर सकते हैं। और तो इस तरह से सो फार है, अप टिल नाउ है, फॉर है, सिंस है, जस्ट है, येट है, ऑलरेडी है, तो ये यहाँ कहा जा रहा है या हमको सिखाया या बताया जा रहा है कि इन फ्रेजेस के साथ या इन एडवर्ब्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो जाता है। तो ये जो जो भी जो यहाँ पर फ्रेजेस या एडवर्ब्स हैं वो सब क्या हैं, वो सब प्रेजेंट के टाइम को इंडिकेट करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी जब फर्स्ट पॉइंट में आपसे डिस्कस कर रहा था या डिस्क्राइब कर रहा था तब मैंने कहा कि या तो पास्ट का कोई टाइम यूज़ नहीं किया जाता है ना, पास्ट का कोई टाइम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज़ नहीं किया जाता, या तो टाइम डिस्कस किया जाएगा या डिस्क्राइब किया जाएगा तो वो सिर्फ प्रेजेंट का होगा। प्रेजेंट को व्यक्त करने वाला तो कोई टाइम या एडवर्ब ऑफ टाइम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज़ किया जा सकता है, और प्रेजेंट टाइम को अगर कोई टाइम इंडिकेट नहीं करता है, कोई वर्ड या एडवर्ब कोई प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट नहीं कर रहा है तो फिर वह पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा होगा। तो ऐसे एडवर्ब को हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज सो फार का मतलब है अब तक या अभी तक, अप टिल नाउ का भी मतलब क्या है, अब तक, अभी तक, फॉर का भी मतलब क्या होता है, फॉर का मतलब ड्यूरेशन के लिए होता है कि उस समय से लेकर के उस समय तक, जैसे फॉर 10 ईयर्स, तो उसमें भी प्रेजेंस मतलब प्रेजेंट टाइम की होती है, यानी तब से लेकर, मतलब यहाँ हम यह कहते हैं जैसे 10 साल, 20 साल, 50 साल है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि अब से लेकर के पिछले टाइम तक गिनो तो 50 साल या 20 साल, या जैसे भारत को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं तो इसका मतलब है कि 75 साल पीछे आप गिन लीजिए तो 475 ईयर्स हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इस तरह से फॉर वहाँ पर यूज़ किया जाता है, लेकिन ये प्रेजेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। सिंस का भी मतलब है तब से लेकर अब तक, जस्ट का मतलब है अभी तुरंत, अभी अभी, येट का भी मतलब है अभी तक, और ऑलरेडी का भी मतलब है पहले ही, यानी कि ये भी प्रेजेंट को ही दिखाता है। तो इसलिए इन एडवर्ब्स के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो जाता है, लेकिन ये सब के सब प्रेजेंट टाइम को ही दिखाते हैं, कोई भी पास्ट टाइम को नहीं दिखाता है। इसलिए फिर वही लाइन यहाँ पर याद कर लीजिए कि यदि पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट में दोनों में ही घटनाएं पास्ट टाइम की व्यक्त की जाती हैं, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम का एडवर्ब इंडिकेट या यूज किया गया हो तो फिर वह घटना सिंपल पास्ट टेंस में कही जाती है, या फिर अगर कोई किसी घटना के साथ पास्ट टाइम का एडवर्ब न आ रहा हो और उसके साथ या तो कोई एडवर्ब न आ रहा हो या पास्ट का न आ रहा हो और प्रेजेंट का अगर आ रहा है तो वह मान्य है। इस तरह से या तो पास्ट का नहीं है और कोई एडवर्ब नहीं है, या फिर अगर एडवर्ब कोई मान्य है तो प्रेजेंट का, प्रेजेंट टाइम दिखाने वाला एडवर्ब है तो फिर वह प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज किया जा सकता है, और इस तरह से यदि किसी घटना के साथ कोई टाइम नहीं है तो फिर वह प्रेजेंट परफेक्ट में कही जाएगी, या उसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम है भी तो वह प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम का एडवर्ब ऑफ टाइम है तो फिर वो घटना प्रेजेंट परफेक्ट में कही जाएगी। जैसे आई हैवंट रिसीव्ड एनी रिप्लाई सो फार, सो फार मीन्स अभी तक, तो मैंने अभी तक मुझे कोई रिप्लाई या उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, तो सो फार मीन्स अभी तक, इसलिए इसको हमने आई हैवंट रिसीव्ड कहा है, आई डिडंट रिसीव नहीं कहा है। इसी तरह से द टीम हैजंट अराइव्ड अप टिल नाउ, तो अप टिल नाउ मतलब बाई दिस टाइम, और बाई दिस टाइम, दिस मतलब क्या है, प्रेजेंट को शो करता है, तो इसलिए इसको डिडंट अराइव नहीं कहेंगे। द टीम हैजंट अराइव्ड अप टिल नाउ मतलब टीम अभी तक भी नहीं पहुंची है, हम यही कहेंगे। आई हैवंट रिटर्न टू मदर सिंस जनवरी, मतलब जनवरी से ही मैंने माँ को कुछ नहीं लिखा है, तो सिंस जनवरी मतलब फ्रॉम जनवरी टू टिल नाउ, यानी जनवरी से अब तक मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो सिंस भी किसको दिखाता है, प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं, तो इसको भी हम आई हैवंट रिटर्न कहेंगे, आई डिडंट राइट नहीं कहेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टाइम के को दिखाने वाले एडवर्ब्स इसके साथ यूज हो सकते हैं, और इन एडवर्ब्स के साथ कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में कहा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इन ए क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट इज नॉट यूज्ड विद व्हेन। अगर हम कोई क्वेश्चन लिख रहे या बोल रहे होते हैं तो उसके साथ व्हेन यूज नहीं होता है। जैसे व्हेन हैव यू डन योर एमए, व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन, व्हेन हैव यू बॉट योर कैमरा, व्हेन हैव यू बॉट योर लैपटॉप, इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कहते या लिखते या बोलते हैं। हम हमेशा इस व्हेन के साथ बोले जाने वाले क्वेश्चन के लिए, अगर हमें कोई क्वेश्चन बनाना है तो इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। मीन्स सिंपल पास्ट इज यूज्ड इंस्टेड, यानी कि इसकी जगह पर, इसके बजाय, प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाता है पास्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। यानी पास्ट से संबंधित हमको, हम मैं नोट पर पढ़ रहा हूँ, कर्सर का पॉइंट कहीं दूसरी जगह चला गया। इस जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड यू बाई दिस कैमरा, तो हम ये कैमरा हमने कब खरीदा, तो व्हेन डिड यू बाई दिस कैमरा कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहते हैव बॉट, व्हेन हैव यू बॉट दिस कैमरा, हम ऐसे नहीं कहते हैं। किसी ने कहा मैंने खाना खा लिया, तो हम कहेंगे कब खाया खाना, चाहे बेशक 10 मिनट पहले या 1 घंटा पहले की बात पूछ रहे हैं, लेकिन जब भी हम पूछेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट उसको कहेंगे, तो सिंपल पास्ट में ही पूछेंगे। व्हेन डिड यू ईट फूड, अगर कोई कहता है आई हैव टेकन फूड, व्हेन डिड यू ईट फूड, व्हेन हैव यू टेकन नहीं कहेंगे। इसी तरह से आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन, व्हेन डिड यू कम्प्लीट योर ग्रेजुएशन, इस तरह से कहेंगे। तो इस तरह से कोई भी व्हेन से रिले, व्हेन के साथ में अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पूछते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें नहीं पूछते हैं और नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कैन बी यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक दिस। ये चीज भी ध्यान रखिए कि जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार 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 बार, मतलब कोई चीज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इस तरह से होता है कि 6, 7, 8 में फ्रीक्वेंसी के विषय में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। ऐसे देखिए कि कोई चीज़ पत्ती, कोई टेबल पर दबाइए, स्केल लीजिए और एक हाथ से उसको टेबल पर दबा लीजिए, दूसरा सिरा उसका फ्री छोड़ दीजिए और फिर उसको एक तरफ दबा करके छोड़ दीजिए, तो वह जो है जहाँ पर वह दबा हुआ है उसके दोनों तरफ ऊपर नीचे बार बार हुआ जाता है, उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति हिंदी में। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि बार बार कोई चीज के होने की बारंबारता को दिखाना ही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई काम कितनी बार हुआ, इसका अर्थ बताने वाले या इस बात को बताने वाले शब्द। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स एवरी टाइम, एवरी टाइम मीन्स हर बार। तो जिसमें बार शब्द आ जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसके अर्थ में छिपा हुआ होता है बार शब्द, दफा मतलब बार, मतलब या दफा, इंग्लिश वाला बार नहीं है ये, मैं हिंदी वाले बार की बात कर रहा हूँ। तो और ये पढ़ भी मैं यहाँ रहा हूँ, या फिफ्थ पॉइंट मैंने पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कैन बी यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक दीज। इस तरह के एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है, यानी जो एडवर्ब्स किसी काम के होने के बार बार के होने की सूचना देते हैं, उन एडवर्ब्स के साथ यूज किया जाता है या कर लिया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि यहाँ पास्ट का एडवर्ब फिर भी नहीं होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, कोई काम कितनी बार हुआ इसकी सूचना देने वाले शब्दों को हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या है, हमेशा, हमेशा मतलब एवरी टाइम, एवरी टाइम। इस यहाँ बार का मतलब क्या है, टाइम। जैसे मैं खाना दिन में 3 बार खाना खाता हूँ, तो कितनी बार खाता हूँ, 3 बार, तो 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। मैं 2 बार टीवी देखता हूँ दिन में, तो हाउ मेनी टाइम्स डू वॉच टीवी, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, कितनी मतलब बार, कितनी बार, 2 बार। इसी तरह से ऑलवेज, ऑलवेज मतलब एवरी टाइम, तो एवरी टाइम मतलब हर बार,
मैं जब भी मुझे मौका, हर बार का मतलब क्या है, जब भी मुझे मौका मिलता है तब मैं कोई काम करता हूँ, तो ऑलवेज इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। इसी तरह से एवर, एवर मीन्स एवर इज ऑल्सो ऑलवेज, हर बार जब भी मौका मिलता है, ऑल द टाइम। तो इसलिए एवर क्या हो गया, एडवर्ब भी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गया। नेवर का मतलब क्या है, नेवर मीन्स नॉट एवर, यानी एक बार भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। नेवर मीन्स नॉट इवन अ सिंगल टाइम, यानी एक बार भी नहीं, तो नेगेटिव हो गया, लेकिन हो तो क्या गया, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी ही कहा जाएगा। इसी तरह से ऑफन, ऑफन मतलब बहुत बार, मतलब मैनी टाइम्स, बहुत बार, गिना नहीं जा सकता या गिनती उसकी नहीं होती है, हम उसको जनरली कहते हैं बहुत बार, यानी कि 3-4 बार से ज़्यादा को हम ऑफन कहते हैं। तो ऑफन मतलब कितनी बार, तो ये भी क्या हो गया, इस तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गया। तो फिफ्थ पॉइंट टू सजेस्ट अस, ये हमको बताता है दैट प्रेजेंट परफेक्ट कैन बी यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी लाइक दिस। इस तरह के एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जा सकता है, जैसे हैव यू एवर सीन अ ज़ेब्रा, यानी क्या तुमने कभी ज़ेब्रा देखा हैव यू एवर, एवर मतलब कभी कभी, मतलब एक बार भी, क्या कभी एक बार भी आपने ज़ेब्रा देखा है, तो दिस इज द एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जा सकता है। आई हैव ऑलवेज पेड अटेंशन टू म्यूजिक लेसन्स, मैंने म्यूजिक लेसन्स के लिए हमेशा मैंने अपना अटेंशन पे किया है, हमेशा मैंने म्यूजिक लेसन्स पर अपना ध्यान दिया है। तो दिस इज ऑल्सो आई हैव ऑलवेज पेड अटेंशन टू, तो ऑलवेज क्या है, ऑलवेज भी है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ऑलवेज मतलब हमेशा, तो दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट इज नोट, इंस्टेड ऑफ द स्टैंडर्ड हैज और हैव ए बी विद पास्ट पार्टिसिपल इज अलाउड इन सेंटेंसेस लाइक द फॉलोइंग। यहाँ पर यह बात कही जा रही हैज और हैव, स्टैंडर्ड का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म, स्टैंडर्ड का मतलब फिर से, या इंस्टेड ऑफ द स्टैंडर्ड हैज हैव, स्टैंडर्ड हैज हैव मतलब जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की जो जनरली, स्टैंडर्ड का मतलब होता है जनरली, जनरली एक्सेप्टेड, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, जो आसपास के एरिया में या जहाँ भी कोई चीज़ होती है उस एरिया में जो जनरली सामान्य तौर पर एक्सेप्ट की जाती है चीज़, हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। जैसे आपने सुना होगा स्टैंडर्ड साइज दिखाओ, हम कपड़े खरीदने जाते हैं स्टैंडर्ड साइज दिखाओ, स्टैंडर्ड साइज का मतलब वहाँ क्या है, सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को फिट होने वाला साइज दिखाओ, सामान्यतः थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है लेकिन सामान्यतः वह साइज हर व्यक्ति को फिट हो जाता है, तो वह जो साइज होता है वो मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल होता है, तो कहते हैं स्टैंडर्ड साइज मुझे दिखाइए, कोई स्टैंडर्ड चीज़ दिखाइए। तो स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ सामान्यतः मिलने वाले और सामान्यतः एक्सेप्ट की जाने वाली और सामान्यतः चलन में रहने वाली चीज़ को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ द स्टैंडर्ड हैज हैव, यानी जो सामान्यतः हैज हैव का जो एक्सेप्टेड फॉर्म हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है सामान्यतः, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यही स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर के बजाय या के अलावा, इंस्टेड मतलब इस स्ट्रक्चर के बजाय, ए बी विद पास्ट पार्टिसिपल, ए बी विद पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, बी की फॉर्म होती है इज एम आर, तो बी मतलब इज एम आर विद पास्ट पार्टिसिपल, विद पास्ट पार्टिसिपल मीन्स विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बजाय इज एम आर विद थर्ड फॉर्म या प्लस थर्ड फॉर्म इज अलाउड इन सेंटेंसेस लाइक द फॉलोविंग, यानी निम्न प्रकार के जो सेंटेंसेस है इन सेंटेंसेस में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म के बजाय, वैसे तो स्प्रिंग हैज कम कहना चाहिए, द बॉल हैज गॉन कहना चाहिए, द सन हैज रिजन कहना चाहिए, द वुंड हैज स्वोलन कहना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म के बजाय बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ही इनमें अलाउड होती है, इज अलाउड इन सेंटेंसेस लाइक द फॉलोविंग, यानी इस प्रकार के सेंटेंसेस में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म के बजाय इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म इनमें अलाउड होती है, यह नोट हमको यह बता रहा है। अब हमको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर यह क्यों होती है, तो नीचे सेंटेंस, नीचे ये नोट लिखा हुआ है कर्सर के साथ मेरा
यहाँ पे ये कर्सर जा रहा है, पॉइंट जा रहा है, तो उसके साथ आप भी पढ़िए। सेंटेंसेस ऑफ दिस पैटर्न रेफर टू अ चेंज ऑफ स्टेट। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, ये जो चार एग्जांपल 1, 2, 3 एंड 4, ये जो चार एग्जांपल हैं, द स्प्रिंग स्प्रिंग इज कम एक एग्जांपल, द बॉल इज गॉन दूसरा एग्जांपल, द सन इज रिजन तीसरा एग्जांपल, द वुंड इज स्वोलन फोर्थ एग्जांपल। ये जो चार सेंटेंसेस हैं, इस तरह के सेंटेंसेस ऑफ दिस पैटर्न, इस पैटर्न के जो सेंटेंसेस हैं, रेफर टू अ चेंज ऑफ स्टेट। ये जो है स्टेट में परिवर्तन की स्थिति को रेफर करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं, या सिचुएशन, स्टेट स्टेट मतलब स्थिति में परिवर्तन, या फिर सिचुएशन, सिचुएशन मतलब सिचुएशन का भी मतलब होता है परिस्थिति ही होता है, सिचुएशन का मतलब, स्टेट का मतलब अवस्था और सिचुएशन का मतलब परिस्थिति, यानी किसी अवस्था या परिस्थिति में परिवर्तन को व्यक्त करता है यह पैटर्न। यानी कि इससे जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो यह सेंटेंस क्या दिखाता है, स्थिति अथवा परिस्थिति या दशा अथवा परिस्थिति में बदलाव दिखाता है। फिर से पढ़िए इसको, चूंकि हमें आगे पढ़ना है और सेंटेंस को समझना है, मीनिंग को। सेंटेंस ऑफ दिस पैटर्न रेफर टू अ चेंज ऑफ स्टेट ओब्लिक सिचुएशन स्लैश सिचुएशन एंड नॉट ओनली टू अ कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी इन द प्रेजेंट। एंड नॉट ओनली का मतलब क्या हुआ, एंड नॉट ओनली टू अ कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी इन द प्रेजेंट, इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट टाइम की एक्टिविटी के पूरे होने को ही नहीं दर्शाता, यानी प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय में किसी कार्य या एक्टिविटी के सिर्फ पूरा होने को ही यह नहीं दर्शाता है, बल्कि किसी सिचुएशन या किसी परिस्थिति या फिर किसी अवस्था में बदलाव को भी दर्शाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने कहा स्प्रिंग इज कम, तो यह दो अवस्थाओं को यह दर्शाता है। हमने जब ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उस विषय में पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट और एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी बाय द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। यानी जिस समय हम लिख या बोल रहे हैं, उस समय तक कोई काम कंप्लीट हो चुका है, उस काम को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यह हमने ऊपर अभी एक्टिविटी में, ऊपर सेंटेंस में हमने फर्स्ट पॉइंट में और एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ यह पढ़ रहे हैं कि इसका प्रयोग मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए या कोई काम पूरा हो चुका है यही बताने के लिए नहीं इसका प्रयोग किया जाता। ये तो होता ही होता है इसमें, लेकिन इसके साथ यह सिचुएशन और स्टेट में भी परिवर्तन बताती है। यानी यहाँ पर देखने लायक बात, यह समझने वाली बात यह है कि जब हम हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, तब वह स्थिति परिवर्तन को नहीं दर्शाती है। वह कोई काम पूरा हो गया है यह तो बताती है, लेकिन किसी की अवस्था में या किसी सिचुएशन में कोई परिवर्तन आया है वह यह नहीं बताता है, वह यह नहीं बताता है। जैसे मैंने कहा कि ही हैज ईटन फूड, यहाँ उसने फूड ईट करने यानी खाना खाने का काम कंप्लीट कर लिया है यह तो पता चलता है, लेकिन लेकिन कोई परिवर्तन हुआ है किसी अवस्था में या परिस्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है यह पता नहीं चलता है। ही हैज स्लेप्ट, ये इसमें भी ये पता चलता है कि उसने मतलब नींद को प्राप्त करने का जो एक्टिविटी है उसमें वह जा चुका है, यानी कि उसने उसको पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है, लेकिन यह पता नहीं चलता है कि किसी अवस्था में परिवर्तन हुआ है या किसी परिस्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है यह पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम इज कम और बॉल इज गॉन यानी कि इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म के साथ अगर हम किसी सेंटेंस को इस तरह से हम यूज करते हैं, तो फिर यहाँ स्थिति अथवा अवस्था अथवा उसकी परिस्थिति के बदलने का पता चलता है। तो इसलिए यहाँ पर यह इज कम इज गॉन इज रिजन और इज स्वोलन यानी कि इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में इन वर्ब्स को या इन सेंटेंसेस को यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है। और यह प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय यानी कि हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म के बजाय इनके साथ इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। फिर
फिर से सुन लीजिए कि इनके साथ हैज एम प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के बजाय इनके साथ इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये कंप्लीट किसी एक्टिविटी के कंप्लीट होने के विषय में तो ये जानकारी दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये स्थिति अथवा परिस्थिति यानी किसी की अवस्था अथवा परिस्थिति में बदलाव होने की भी जानकारी यह दे रहे हैं, इसलिए यहाँ हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म की जगह पर इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म से सिर्फ एक्टिविटी के कंप्लीट होने की जानकारी मिलती है, किसी की अवस्था या परिस्थिति में बदलाव की जानकारी उससे नहीं मिलती है। एंड इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म से एक्शन के कंप्लीट होने की भी जानकारी मिलती है, उसके साथ साथ अवस्था अथवा परिस्थिति में बदलाव होने की भी जानकारी इस स्ट्रक्चर से हमको मिलती है कि इसमें कोई बदलाव हुआ है, इसलिए इस फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है हैज एम प्लस थर्ड फॉर्म की तुलना में या के बजाय। नाउ अब ये बात आती है कि मतलब क्या सभी सेंटेंसेस में इस तरह से हम कर सकते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि वो परिस्थिति क्या बदली है यह देखिए, यानी किस तरह से हमको लगता है कि परिस्थिति बदली है। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग इज कम, स्प्रिंग इज कप का मतलब है कि स्प्रिंग हैज कम, तो स्प्रिंग हैज कम से तो ये पता लगता है कि स्प्रिंग के आने की एक्टिविटी पूरी हो चुकी है, यानी स्प्रिंग में अब कुछ आना बाकी नहीं रह गया है, जो आना होता है स्प्रिंग का वह आ चुका है, एक तो यह कंप्लीट हो गई एक्टिविटी। दूसरा यहाँ अब इससे मतलब निकलता है कि बदलाव आ चुका है, तो इससे पहले क्या होता है विंटर होता है, विंटर के टाइम में क्या होता है धुंध होती है और लॉन्ग नाइट्स होते हैं, शॉर्ट डेज होते हैं, सर्दी होती है, चारों तरफ धुंध होती है और कोहरा पड़ रहा होता है और एक अलग प्रकार की होती है, ठिठुरन होती है, थोड़ा सा नेगेटिविटी भी होती है और ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है। लेकिन स्प्रिंग इज कम तो स्प्रिंग से क्या होता है एटमॉस्फेयर की परिस्थिति एकदम क्या हो जाती है चेंज हो जाती है और वो जो चीज़ थी अब वो जो धुंध थी ये सब चीज़ें थी वो नहीं आने वाली हैं, यह बात समझ में आ जाती है, इसलिए हम यहाँ क्या कहते हैं इसलिए वो परिस्थिति बदलने की बात यहाँ समझ में आती है। तो इसलिए वहाँ हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म स्प्रिंग हैज कम की जगह स्प्रिंग इज कम कहा जाता है। दूसरा ये पोएटिकल एक्सप्रेशन भी होता है, तो पोएटिकल एक्सप्रेशन में इस तरह से परिस्थिति को चेंज करने के लिए दर्शाया जाता है, तो इसलिए भी इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। इसी तरह से द बॉल इज गॉन, द बॉल इज गॉन में भी परिस्थिति क्या है, द बॉल अगर हम कहेंगे बॉल हैज गॉन तो बॉल हैज गॉन में कोई परिस्थिति नहीं है, इसका मतलब है कि बॉल अभी कहीं चली गई है और ऐसे लगता है जैसे वो खुद चल करके गई हो। जैसे मैंने कहा रवि हैज गॉन, रवि हैज गॉन मतलब रवि हैज वॉक्ड आउट यानी रवि खुद ही चला गया है, तो अगर मैं कहता हूँ बॉल हैज गॉन तो बॉल हैज गॉन में भी ऐसा ही सेंस आता है और उसमें कोई परिस्थिति का बदलाव नहीं होता है। लेकिन बॉल इज गॉन का मतलब है दैट अब हमारे और बॉल के बीच में कोई परिस्थिति बदल गई है, मींस बॉल हैज गॉट लॉस्ट यानी वह खो गई है, एंड बॉल इज नॉट अबाउट टू कम नाउ, बॉल इज नॉट टू कम नाउ, बॉल विल नॉट कम नाउ और वह बॉल अब नहीं आएगी। इसको इस तरह से भी समझने की कोशिश करिए, सपोज करिए मेरा कोई फ्रेंड है और एबीसी और अभी वह उसके घर से फोन आता है और मैं कहता हूँ कि वह तो चला गया है। चला गया है का मतलब है कि मैंने कहा वो अपने घर ही चला गया है या मार्केट चला गया है या कहीं जहाँ जाना था उसको वहाँ चला गया है। अगर मैं इस तरह से कहता हूँ ही हैज़ गॉन, इसके लिए कहता हूँ कि ही हैज़ गॉन, इट मीन्स ही हैज़ वॉक्ड फ्रॉम हियर, मीन्स ही हैज़ गॉन अवे फ्रॉम हियर, मीन्स ही हैज़ वॉक्ड अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से वह कहीं वॉक करके चलता हुआ चला गया है एंड ही विल रीच होम एंड मोस्ट प्रोबेबली अब वो जब भी उसको टाइम मिलेगा तो वो दोबारा आएगा, यानी हमारे और उसके बीच में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ उसके घर से फोन आता है और सपोज करें मेरे जो भी मेरा ABCD फ्रेंड है उससे मेरी लड़ाई हो जाती है और लड़ाई हो करके फिर वो चला गया है, हालांकि उसमें भी वो वॉक करके ही गया है, लेकिन मेरी उसकी लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने में ये बात होती है भाई हम आज के बाद नहीं मिलेंगे, तो अब उसके घर से फोन आता है, मैं कहता हूँ ही इज़ गॉन, तो यहाँ ही इज़ गॉन का मतलब है कि वह जा चुका है यहाँ से, यानी जाने की एक्टिविटी तो उसने पूरी कर ही ली है
और अब हम मेरे और उसके बीच की परिस्थितियां बदल गई हैं, अब वह मेरे पास कभी नहीं आएगा, इसलिए अब मेरे पास दोबारा से आप लोग फोन मत करना। तो इस तरह से ये कहने के लिए ही इज गॉन हम वहाँ पर कह सकते हैं, अर्थात यहाँ पर वह चला गया है से मतलब है, यानी अब वह लौट कर नहीं आएगा, यह कहने के लिए हम ही इज गॉन कह सकते हैं और हम कह देते हैं। तो यही बात यहाँ द बॉल इज गॉन पर फिट होती है कि वह चली गई है बॉल, यानी अब वह लौट कर नहीं आएगी। तो लौट कर नहीं आएगी मतलब द बॉल इज लॉस्ट, जब लॉस्ट के सेंस में यहाँ पर गॉन का यूज किया गया है, यानी कि हमारे और बॉल के बीच में परिस्थिति जो है वो चेंज हो चुकी है, बॉल जैसे भी गई है बट इट इज लॉस्ट एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू कम बैक, अभी इसके आने की संभावना नहीं है। इसी तरह से द सन इज रिजन, यानी सन हैज रिजन भी सेंटेंस सही है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक एक्शन कंप्लीट हुआ है, उससे कोई बदलाव हुआ या नहीं हुआ ये बात पता नहीं चलती है उस सेंटेंस से। जैसे मैंने कहा फादर हैज कम, तो क्या घर में कोई बदलाव हुआ है, इससे कोई पता नहीं चलता है, बट फादर के आने की एक्टिविटी पूरी हो गई है ये हम कहते हैं। इसी तरह से द सन हैज रिजन में अगर हम कहते हैं तो कोई एक्टिविटी तो पूरी हो गई है राइज होने की, लेकिन उससे कोई बदलाव आया है कि नहीं ये हम नहीं कहते हैं, या वह यह सेंस उसमें नहीं होता हैज रिजन में। लेकिन अगर हम कहते हैं द सन इज रिजन, इसका सीधा सा मतलब है कि सन सन हैज रिजन एंड इट हैज ग्रोन एंड इट हैज स्प्रेड इट्स सनलाइट एवरीवेयर, और अब वो जो धुंध थी, धुंध कोहरा था या ठंड थी या फिर वह अंधेरापन था या इस तरह की जो भी चीज़ें थी, काली रात थी, वो सब चीज़ें अब खत्म हो गई हैं, उल्लू घूम रहे थे, बोल रहे थे, वो सब चीज़ें भी अब खत्म हो गई हैं। एंड नाउ देयर इज एवरीवेयर लाइट, द चेंज हैज़ कम, अब बर्ड्स बाहर आ गए हैं और पक्षी अपने अपने शिकार पर जाने लगे हैं, किसान अपने काम पर पहुंच गए हैं, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। तो ये इस बदलाव की ओर इशारा होता है द सन इज रिजन में। इसी तरह से द वुंड इज स्वोलन, अगर हम कहते हैं वुंड हैज स्वोलन, तो इसी तरह से होगा जैसे कि उसके उसने अपना डिसीजन लिया और वह फूल गया, मतलब स्वेल हो गया, सूजन आ गई, तो ऐसा ना हो करके वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती हैं, यानी कि वुंड के शेप में और साइज में बदलाव आता है जब, तब हम कहते हैं स्वोलन। तो वहाँ पर भी हैज स्वोलन की बजाय एज स्वोलन, यानी कि उसकी परिस्थिति में चेंज आ गया है, यह हम कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो कम रीजन, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं और ये ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब्स वे होती हैं जिनका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो इनका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एसएमआर प्लस थर्ड फॉर्म में हमेशा पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस ही है, और इन सेंटेंसेस में इन वर्ब्स को एक्टिव वॉइस में ही लिखा गया है, लेकिन ये यहाँ पर वर्ब की तरह काम न करके, चाहे वह कम है, रिजन है, गॉन है या स्वोलन है, ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम करती हैं वर्ब्स, और इसलिए ये यहाँ पर जैसे हमने कहा बॉय इज गुड, यू आर ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम, इस तरह से जैसे हम इन सेंटेंसेस में हैंडसम, ब्यूटीफुल, गुड, ये जो एडजेक्टिव जिस तरह से इज एम आर के बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज किया जाता है, तो उसी तरह से ये यहाँ एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। द बॉल इज गॉन का मतलब द बॉल इज लॉस्ट, द बॉल इज डिसअपियर्ड, मतलब खो गई है, खोने के अर्थ में यहाँ गॉन का मतलब है। सोलन मतलब फूला हुआ, स्वेल की ये थर्ड फॉर्म है लेकिन इसका मतलब फूला हुआ, द वुंड इज स्वोलन मतलब जो घाव है वो फूला हुआ है, अब इसकी हिंदी मतलब फूल चुका है, अब इसको ऐसे नहीं कहेंगे, वुंड इज ए सोलोन यानी घाव जो है फूला हुआ है, इस तरह से हुआ उसकी आकृति में परिवर्तन को दर्शाता है। इसी तरह से द सन इज रिजन यानी सन जो है उगा हुआ है यह दिखाता है, तो उगा हुआ है का मतलब क्या हुआ, उग चुका है, लेकिन वह उग चुका है का मात्र वह आभास कराता है, मीनिंग में नहीं होता कि उग चुका है। द सन इज रिजन, जैसे हम कहते हैं कि किताब अलमारी में रखी हुई है, किताब टेबल पर रखी हुई है, तो द बुक इज ऑन द टेबल, इस तरह से हम उसकी परिस्थिति के विषय में बताते हैं। तो इसी तरह द सन इज रिजन, रिजन मतलब जैसे लकड़ी बुझी हुई है तो हम, या लकड़ी फेंकी हुई है तो द वुड इज थ्रोन, हम इस तरह से कहेंगे द वुड इज थ्रोन, द वुड इज बर्न्ड, या जली हुई लकड़ी मैंने उठाई तो द बर्न्ड वुड,
हम इस तरह से उसको बर्नट वुड में, वुड से पहले हमने बर्नट यूज करके उसको एडजेक्टिव के रूप में यूज किया, तो इसी तरह से हम यहाँ पर द सन इज रिजन मतलब सन उगा हुआ है, द स्प्रिंग इज कम इसका मतलब स्प्रिंग जो है आई हुई है, द बॉल इज गॉन बॉल जो है गई हुई है, हालांकि यहाँ पर खोने के अर्थ में, लेकिन अगर हम कहें ही इज गॉन तो ही इज गॉन का एक अर्थ तो यह भी हो गया कि वह चला गया है और अब वापस नहीं आएगा, तो कई बार यही अर्थ हम किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए, मरे हुए मतलब जिस जिसकी आत्मा डिपार्ट कर चुकी है और मृत्यु को अगर कोई प्राप्त हो गया है तो पोएटिकल एक्सप्रेशंस में ही इज गॉन नाउ इस तरह से ही इज नो मोर, हालांकि नो मोर एक्सप्रेशन अब बहुत पुराना हो चुका है, इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन ही इज गॉन मतलब अब वह गया हुआ हो गया है, यह बात कही जाती है। मेरे मुझे लग रहा है कि अब आपकी समझ में इसमें ये चीज़ आ गई होगी, और नहीं आती है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। फिर सिक्स पॉइंट है, प्रेजेंट परफेक्ट लाइक सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड इन एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम व्हेन द मेन क्लॉज इज इन फ्यूचर टाइम, यानी कि जब कोई मेन क्लॉज फ्यूचर टाइम में होती है तब उसके साथ सिंपल प्रेजेंट की तरह ही प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज किया जा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, सिक्स्थ पॉइंट है जब कोई मेन क्लॉज, जब किसी सेंटेंस की कोई मेन क्लॉज फ्यूचर टाइम में होती है तो फिर उसके साथ उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस है वह सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है और सिंपल प्रेजेंट की तरह वह प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, यह सिक्स्थ पॉइंट हमको दिखाता है। तो यहाँ पर जो भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लॉज नहीं जानते हैं, अगर ऐसे कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं नोट्स को, तो क्लॉज मैं आपको बता दूँ, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो अपने आप में पूरा होते हुए भी, यानी पूरा होते हुए भी मीन्स उसका अपना सब्जेक्ट है, उसकी अपनी वर्ब है और उसका अपना ऑब्जेक्ट है, इसके बाद भी वह किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। तो अगर कोई मेन कोई जो सेंटेंस है उसकी जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज का मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज होंगी तो एक तो उसमें मेन क्लॉज होगी, दूसरी जो क्लॉज होगी वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इस तरह से वो कोई ना कोई क्लॉज होगी। एक से ज़्यादा जब क्लॉज होंगी किसी सेंटेंस में तब एक क्लॉज को हम मेन क्लॉज और बाकी दूसरी क्लॉज को कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट जो भी है वह क्लॉज हम उसको कहते हैं। तो यदि मेन क्लॉज फ्यूचर टाइम में होगी, फ्यूचर टाइम का मतलब अगर मेन क्लॉज में विल शैल का यूज हुआ है तब उसको हम फ्यूचर टाइम में मानते हैं। तो अगर मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज वह होती है जो सेंटेंस या जो क्लॉज किसी कंजंक्शन से स्टार्ट ना हुई हो उसको हम मेन क्लॉज कहते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में कोई मेन क्लॉज है और वह मेन क्लॉज फ्यूचर टाइम में है तो उसके बाद उसके साथ आई हुई जो दूसरी क्लॉज है वह हमेशा या तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होती है या वह प्रेजेंट परफेक्ट में होती है, दोनों में से किसी में हो सकती है। कभी कभी तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में लिखना ही दूसरी क्लॉज को उचित होता है, या फिर कभी कभी उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना ही उचित होता है, कभी कभी इंटरचेंज भी हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख सकते हैं, यह बात यहाँ पर समझने के लायक है। मेन क्लॉज मतलब जो किसी कंजंक्शन से स्टार्ट ना हुई हो और वह अगर फ्यूचर में है तो उसके साथ दूसरा जो सेंटेंस होगा या क्लॉज होगी वह सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। थैंक यू, सॉरी। तो इस तरह से आपका एक सेंटेंस है, आई विल गेट ऑफ, ये एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं मैं, आई विल गेट ऑफ व्हेन द बस स्टॉप्स, यानी जब बस रुकेगी तब मैं उतरूंगा। तो यहाँ जो देखिए आई विल गेट ऑफ है, ये क्या है, मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज क्यों है, क्योंकि आई से पहले कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा है, यह सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है, इसलिए मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज आई विल गेट ऑफ व्हेन द बस स्टॉप्स, यानी जब बस रुकेगी तब मैं उतरूंगा, एक तो यह सेंटेंस हो गया। या द बस स्टॉप्स की जगह हम ऐसे भी कह सकते हैं, द बस हैज स्टॉप्ड, यानी जब बस रुक चुकेगी या रुक जाएगी। तो यह सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हिंदी में मैं क्या करूँ, जब बस रुक चुकेगी, क्योंकि हम हिंदी में इसी प्रकार से बोलते हैं, तो बस जब रुक चुकेगी,
अगर इसको एग्जैक्ट जैसी है वैसा ही ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे कि मैं तब उतरूंगा जब बस रुक चुकी है, तो हम ऐसे कहेंगे। लेकिन हमारा इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो हमारा हिंदी में तरीका है वह ये होता है कि जब बस रुक चुकेगी मैं तब उतरूंगा, तो चुकेगी के लिए हम विल हैव स्टॉप्ड ना कह करके प्रेजेंट परफेक्ट में ही हम विल के साथ सेंटेंस को कहते हैं। यही इंग्लिश का कल्चर है और यही आदत हमको डेवलप करनी होती है। और बहुत सारे लोग, अब मेरे पास एग्जैक्ट गिनती नहीं है, लाखों करोड़ों तो है ही है, अरबों खरबों जितने भी लोग हैं वो सब जो भी अंग्रेजी बोलते हैं वो सब इस पैटर्न को जानते हैं और इस पैटर्न की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप भी जैसे बहुत सारे लोग, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी वैसे इसको भी आप सीखिए। सो आई विल गेट ऑफ व्हेन द बस स्टॉप्स, ये भी सेंटेंस सही है। आई विल गेट ऑफ व्हेन द बस हैज़ स्टॉप्ड, ये भी सेंटेंस सही है। या फिर मैं बता दूं, आई विल गेट ऑफ ये मेन क्लॉज है और इसके साथ व्हेन द बस स्टॉप्स ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। क्या ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है? क्योंकि क्या दिखाता है, व्हेन, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन क्या दिखाता है, व्हेन टाइम की ओर इशारा करता है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। इसी तरह से दे शांट गो होम, यानी वे घर नहीं जाएंगे, तो ये क्या है, इसके साथ भी कोई कंजंक्शन नहीं है, दे से पहले कोई वर्ड नहीं है, कोई कंजंक्शन नहीं है, इसलिए इसको भी क्या कहा जाएगा, इसलिए इसको भी मेन क्लॉज कहा जाएगा। और शांट गो क्या है, शैल नॉट गो, यानी कि इसमें फ्यूचर टाइम में है, ये मेन क्लॉज है लेकिन फ्यूचर टाइम में है। और अनटिल क्या है, अनटिल टाइम को इंडिकेट करने वाला ही एक कंजंक्शन है, तो इसलिए इसको भी हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ही कहेंगे। तो इसलिए चूंकि अब ये भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गई और मेन क्लॉज फ्यूचर में है, तो इसलिए इसके बाद आने वाली जो क्लॉज है या तो वो सिंपल प्रेजेंट में होगी या फिर सिंपल या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में होगी। तो इसलिए अनटिल दे फिनिश्ड द जॉब ये भी कहा जा सकता है, और अनटिल दे हैव फिनिश्ड द जॉब यह भी कहा जा सकता है। इन एडवर्ब क्लॉज लाइक दिस, या ये जो इस तरह की जो एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज मतलब अनटिल दे फिनिश और अनटिल दे हैव फिनिश्ड, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। इसी तरह से व्हेन द बस स्टॉप्स ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, या व्हेन द बस हैज स्टॉप्स ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। तो इसलिए इन इस तरह से ये जो नोट है क्या कहता है, इन एडवर्ब क्लॉजेस लाइक दिस, यानी इस तरह की एडवर्ब क्लॉजेस में सिंपल फ्यूचर इज रिप्लेस्ड टू बाय सिंपल प्रेजेंट, एंड सिंपल सिंपल फ्यूचर इज रिप्लेस्ड बाय सिंपल प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफेक्ट बाय प्रेजेंट परफेक्ट। यानी यहाँ पर अगर हमको सिंपल फ्यूचर कहना है तो सिंपल फ्यूचर के लिए हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहना होता है, और अगर हमको फ्यूचर परफेक्ट कहना है, यानी फ्यूचर परफेक्ट हमको इंडिकेट करना है, तो फ्यूचर परफेक्ट की जगह हम प्रेजेंट परफेक्ट लिख करके ही उसी से हम फ्यूचर परफेक्ट इंडिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट मेक्स कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी एम्फेटिक। और इसके साथ ही अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं तो वो किसी मेक्स कंप्लीशन, कंप्लीशन मतलब पूरा करने के काम को, किसी एक्टिविटी के पूरा करने के काम को एम्फेटिक बनाता है। एम्फेटिक बनाता है मतलब वह उसको महत्वपूर्ण बनाता है। आई विल स्विच ऑन द लाइट, आई विल स्विच ऑन द लाइट, मैं लाइट को स्विच करूँगा। व्हेन इट ग्रोज डार्क, व्हेन इट ग्रोज डार्क मतलब यह, ये नॉन एम्फेटिक हो गया, जब अंधेरा होगा तब मैं लाइट को ऑन करूँगा। एक तो ये सेंटेंस हो गया, तो आई विल क्या है, ये मेन क्लॉज हो गया और इसके साथ विल यूज हो रहा है, तो हम कहेंगे मेन क्लॉज में यह फ्यूचर टाइम में है। तो ये इसके साथ हमने इट ग्रोज डार्क यूज किया है, तो ये नॉन एम्फेटिक हो गया, यानी कि यह इसमें वो उतना एम्फसाइजेशन काम के प्रति या मतलब लाइट ऑन करने के प्रति इतना एम्फसाइजेशन नहीं है। लेकिन आई विल स्विच ऑन द लाइट व्हेन व्हेन इट हैज ग्रोन डार्क, यानी जब अंधेरा हो चुकेगा, यानी मैं देखूंगा कि अंधेरा हुआ कि नहीं हुआ, जब अंधेरा हो चुकेगा। तो ये जो यहाँ कहा गया कि फ्यूचर परफेक्ट को हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट से दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं फ्यूचर परफेक्ट यानी व्हेन इट विल हैव ग्रोन डार्क, कहना तो हम ये चाहते हैं, लेकिन इसकी जगह हम टेंस कौन सा हमको यूज करना होता है, अकॉर्डिंग टू रूल हैज ग्रोन डार्क यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना होता है। तो इसलिए तो इसको अब हिंदी में हम क्या कहेंगे, जब अंधेरा हो चुकेगा,
तब हम लाइट को या स्विच को हम लाइट ऑन करेंगे, लाइट को स्विच ऑन करेंगे जब अंधेरा हो चुकेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, एम्फेटिक हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। नोटिस हाउ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट इन सच सेंटेंसेस इंडिकेट्स फ्यूचर टाइम। नोटिस हाउ सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट इन इस तरह के सेंटेंसेस में फ्यूचर टाइम को कैसे इंडिकेट करते हैं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। नॉट प्रेजेंट टाइम, वो जो है होते तो सिंपल प्रेजेंट है और प्रेजेंट परफेक्ट भी मतलब प्रेजेंट होता है, लेकिन वो प्रेजेंट का सेंस में दे करके कह देते हैं वो फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट इन सच सेंटेंसेस इंडिकेट्स फ्यूचर टाइम, ये किस तरह से फ्यूचर टाइम इंडिकेट करते हैं और प्रेजेंट टाइम इंडिकेट नहीं करते हैं, यह ध्यान देने की बात है, यह आपको ध्यान देना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज अब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज नॉट अ बिग पॉइंट हियर, सो इसको हम यहीं पर खत्म कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, अदरवाइज इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता क्या है, चलिए अभी टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे इसमें आएगा तो बताएंगे। इसकी पहले फॉर्म पढ़ लीजिए, द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज, यानी किसी वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म होती हैज बीन और हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और किसी कोई प्लुरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैव बीन और उसके साथ में वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। फिर से सुन लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और अगर प्लुरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की टेंस की फॉर्म होती है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, तो यूजेस देख लीजिए, द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इंडिकेट्स दैट एन एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी जो मैं ऊपर कह रहा था जिसको मैंने टाइम ज़्यादा न लेने के लिए मैंने छोड़ दिया, वह बात यहाँ पर है। द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इंडिकेट्स, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यह इशारा करती है, इंडिकेट करती है, इशारा करती है, दर्शाती है, दिखाती है, बताती है या समझाती है हमको दैट एन एक्शन की कोई एक्शन एक काम बिगेन इन द पास्ट, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल मीन्स अभी भी, और वह अभी भी चल रहा है, एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन मतलब अभी भी, यहाँ गोइंग ऑन का मतलब कंटिन्यू होता है, तो यह काम अभी भी चल रहा है, यह स्थिति दर्शाती है। दैट इज कंटिन्यूइंग अप टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, तो गोइंग ऑन का मतलब क्या है, एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, इज स्टिल गोइंग ऑन का मतलब क्या है, दैट इज कंटिन्यूइंग अप टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, यानी कि जब हम लिख या बोल रहे हैं, लिखने या बोलते समय तक यह काम अभी भी चल रहा है। जैसे मैंने कहा मैं बहुत देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यानी मैंने लगभग 1 घंटे पहले रिकॉर्डिंग करना शुरू किया था और अब भी कर रहा हूँ। तो बेबी हैज़ बीन क्राइंग, बेबी हैज़ बीन क्राइंग मतलब बेबी ने मतलब बच्चे ने पास्ट टाइम में रोना शुरू किया था और अभी भी बच्चा रो रहा है, इसका मतलब ये हो गया। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग मतलब आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब पास्ट में आपने कुछ करना शुरू किया था और उस काम को आप अब भी कर रहे हो, उस विषय पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो इतनी देर से, इतनी देर इसमें नहीं है लेकिन हैव यू बीन का मतलब ही है कि इतनी देर से, ठीक है। इट कैन बी, सेकेंड पॉइंट इज इट कैन बी यूज्ड विद टाइम फ्रेजेस लाइक दीज, यानी इस तरह के टाइम फ्रेजेस के साथ भी इसको यूज किया जा सकता है। कौन कौन से हैं, जैसे है टाइम फ्रेजेस फॉर है, सिंस है, लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग है, ऑल द टाइम है, ऑल डे है, ऑल वीक है, इस तरह के टाइम फ्रेजेस के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है या जा सकता है। यूजुअली हम यह मान करके चलते हैं कि यह सिर्फ सिंस और फॉर के साथ ही यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी टाइम एक्सप्रेशन है उनके साथ यूज हो सकता है, वहाँ मीनिंग जो होगा उसका वह सिंस और फॉर जैसा ही होगा। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा टाइम और लेंथ ऑफ टाइम दिया गया होता है, तो लेंथ ऑफ टाइम दिखाने वाले
या ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाने वाला कोई भी एक्सप्रेशन टाइम का यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, लता हैज बीन टॉकिंग ऑल द टाइम। ऑल द टाइम मतलब जब भी उसको मिलो वो जो बात करती हुई ही आपको मिलेगी, वह बात ही कर रही होगी। सो ऑल द टाइम यानी उसका मुंह कभी बंद नहीं रहता है, शी हैज बीन टॉकिंग ऑल द टाइम। इसी तरह से वी हैव बीन प्लेइंग चेस ऑल इवनिंग। ऑल इवनिंग का मतलब यह है कि जब से इवनिंग शुरू हुई, इवनिंग का टाइम अगर 4 बजे से शुरू हो जाता है तो 4 बजे से, अगर 5 बजे से शुरू हो जाता है तो 5 बजे से, और 3 बजे से शुरू हो जाता है तो 3 बजे से लेकर अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक मैं खेल रहा हूँ, तब तक मैं चेस खेल रहा हूँ, यह मतलब हो जाता है ऑल इवनिंग का। इसी तरह से पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब है कि पास्ट में उन्होंने किसी समय के किसी बिंदु पर उन्होंने इंतजार करना शुरू किया, यानी वह टाइम तो हमको नहीं पता है कि किस समय उन्होंने इंतजार करना शुरू किया, लेकिन किसी बिंदु पर उन्होंने आपका इंतजार करना शुरू किया और उस बिंदु से अब क्या हो गया है, अब बहुत सारा टाइम जा चुका है, यानी एक बहुत लंबा समय जा चुका है। वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबा समय तब से लेकर अब तक जा चुका है और अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं। यहाँ नोट है, इन क्वेश्चंस इन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी इन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के से अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, सिंस वैन इज यूज्ड, तो उनके क्वेश्चंस में सिंस वैन यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ वैन। वैन के बजाय सिंस यूज किया जाता है, सिंस वैन। नो इन क्वेश्चंस इन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सिंस वैन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वैन। वैन के बजाय सिंस वैन यूज किया जाता है, यह ध्यान रखेंगे। सिंस वैन हैज द चाइल्ड बीन मिसिंग, यानी बच्चा कब से मिसिंग है यह पूछा जाएगा। सिंस वैन हैव यू नोटिस्ड द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, तुमने जो है कब से इस डिजीज के सिम्टम्स नोट किए हैं या नोटिस किए हैं, तो सिंस वैन से क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल आप मतलब वैन से नहीं पूछ सकते हैं, केवल वैन से नहीं पूछना चाहिए। वी डोंट से व्हेन हैव यू बीन राइटिंग दिस नोवल, दिस इज रॉन्ग। हमको क्या कहना चाहिए, सिंस व्हेन हैव यू बीन राइटिंग दिस नोवल, ये इसकी सही फॉर्म होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मेरे सामने 1 घंटा 26 मिनट्स, 1 आवर एंड 26 मिनट्स एंड 29 सेकंड का ये वीडियो हो गया है। मैंने अपने पूरे मन से यह वीडियो बनाया है और पूरी कोशिश की है कि आपको यह वीडियो, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आए और आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। इफ़ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, अब फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021 @gmail.com पर आप अपनी कोई भी सुझाव और शिकायत, शिकायत का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ दिया है, मतलब शिकायत का मतलब आपको क्या नहीं समझ में आया और किस तरह से आप समझना चाहते हैं, ऐसी कोई बात है तो कह सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।